हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं दो नए टीजर जो ब्लैक एडम की आई है उस पर। तो चलिए बकबक को साइड रखते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट टीजर की, जहां ब्लैक एडम की ओरिजिन की बात किया गया है। बताया गया है कि 5000 साल पुराने सिटी खंडक के बारे में, जहाँ पैसा, पावर, कल्चर और मैजिक था। यहाँ मैजिक रॉक ऑफ इटर्निटी से आया था, जो इसी सिटी में रहते थे। इसी टीजर में ब्लैक एडम बोलता है, इस सिटी में कुछ भी नहीं था, बस जंजीरें थी। अब इस बात को जानने के लिए हमें कॉमिक्स देखने पड़ी। देखी जाए तो कॉमिक्स में यह शहर ऐसी नहीं थी, यहाँ सब चैन से रहते थे। लेकिन जब विजार्ड्स ने शहर को छोड़ दिया, इस शहर पर राज करने आई बैक और उसके लोग आ गए और सबको गुलाम बना लिया। इन्हीं गुलामों में था ब्लैक एडम और उसका भांजा एमएन। टीजर की बात करें तो उसमें आगे ब्लैक एडम बोलता है, खंडक को एक हीरो चाहिए था और उन्हें मिला मैं। मूवी में ब्लैक एडम को उसकी पावर कैसे मिली यह तो नहीं पता, लेकिन कॉमिक्स में कैसे मिली चलिए जानते हैं। कॉमिक्स में विजार्ड्स अपनी पावर देने के लिए एमन को चूज किया था। उस टाइम एडम घायल था, इसीलिए विजार्ड्स ने बोला दोनों एक साथ उसका नाम लो सजा। इस तरह दोनों में पावर बढ़ गई। सुपर पावर पाने के बाद एमन अपने परिवार के हत्यारे को माफ करना चाहता था, लेकिन एडम उन लोगों को मारना चाहता था। बदला लेने की चाह में एडम ने एमन को पहले मार दिया और अकेले पूरे पावर का मालिक बन गया और बन गया ब्लैक एडम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमिक्स में यही एक ओरिजिन स्टोरी है, इसी से मिलते जुलते कई और ओरिजिन स्टोरी भी बताए गए हैं कॉमिक्स में, लेकिन यह ओरिजिन स्टोरी बिल्कुल नई स्टोरी है। अंत में विजार्स ब्लैक एडम को निर्दोष लोगों का जान लेते देख उसे कैद कर देता है और उसके पावर को एक नेकलेस में डाल देता है। लेकिन टीजर की बात करें तो टीजर में सिर्फ पर्पल स्टोन दिखाया गया है, जो शायद नेकलेस का जगह ले ले। जो नेकलेस कॉमिक्स में यूज हुआ था, शायद मूवी में नेकलेस यूज न करके पर्पल स्टोन यूज किया जाए। आगे बात करें तो ब्लैक एडम बोलता है 5000 साल बाद आजाद हुए हैं। तो पीछे आप देखेंगे तो खंडक शहर टूटी मूर्ति नजर आएगी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यह नोटिस किया गया कि 5000 साल पहले कैप नहीं था और इस 5000 साल बाद वाले एडम में कैप आ गया है। अब सवाल यह है कि यह आजाद कैसे हुआ? कॉमिक्स में तो सिबेना ने गलती से इसे जिंदा कर दिया था। सिबेना वही कैरेक्टर है जो आपको सजाम मूवी में मेन विलन के रोल में नजर आया होगा, लेकिन शायद मूवी में कहानी थोड़ी बदली जाए। इसके जिंदा होने की कहानी कॉमिक्स से थोड़ा सा चेंज कर दिया जा सकता है। अब बात दूसरे टीजर की जाए तो यहाँ पे आपको दिखाया गया जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, यह सुपर हीरो की एक टीम है। लेकिन एक समय था जब ब्लैक एडम भी इसका एक मेंबर था। पहले बात करें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में कौन कौन मेंबर थे। पहला हॉकमैन, इसकी पावर की बात करें तो यह उड़ सकता है और इसके पास एंशियंट वेपन भी है। अगला मेंबर है डॉक्टर फेट, इन्होंने ही जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को बनाया था। इनको पावर पिरामिड से मिली है, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज से। अब अगले मेंबर की बात करें तो अगला मेंबर है एटम स्मैशर। एटम स्मैशर कैरेक्टर ब्लैक एडम का दोस्त रह चुका है कॉमिक्स में। अगला बात करें, अगला कैरेक्टर जो हो सकता है हमारे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर, वह है साइक्लोन। इसकी पावर उड़ना, घूमना और तूफान लाना, यही सब हो सकता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एमसीयू के स्टॉर्म से। अब टीजर की बात करें तो टीजर में यह नहीं पता चल रहा है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम के साथ है या नहीं। लेकिन कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में ब्लैक एडम जब 5000 साल बाद आजाद होता है, तब वो सोचता है कि समय बदल चुकी है। फिर वह जेएसए को ज्वाइन करता है। जेएसए में लंबे समय तक वह काम करता है, लेकिन उसके टीम मेंबर से कभी नहीं बने, क्योंकि टीम मेंबर बहुत ही नरम दिल के थे, लेकिन यह जस्टिस के लिए बहुत ही खून बहा देता था। इसी वजह से इसके बाद में जेएसए को छोड़ना पड़ा।
अब मूवी की बात करें तो मूवी में कौन विलन है और कौन हीरो ये तो अभी नहीं पता, लेकिन जैसे के साथ है ब्लैक एडम की नहीं ये भी नहीं पता। आपको क्या लगता है कि मूवी में जैसे के साथ इनका साथ दिखाना चाहिए या नहीं? तो चलिए अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें सजेस्ट करें कि आगे हम आपको किस पर वीडियो बनाकर दें, किसकी ओरिजिन स्टोरी आपको सुनाएं। अगर आपको कोई और सुझाव पसंद है तो हमें बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।